दोस्तों फिर से एक नया रिपेयरिंग वीडियो, सबसे पहले आप सभी को स्वागत है। तो आज आप लोगों को दिखाएंगे, देखिए मेरे पास एक वीवो का मॉडल वीवो बी उन्नीस मॉडल में क्या हो रहा है, उसको देखिए डिस्प्ले चेंजिंग के लिए काम आया दोस्तों। तो इसमें एक बार देखिए दोस्तों, मैंने मार्केट में अभी देखिए इसको ओलिड डिस्प्ले नहीं मिला है, मॉडल बहुत पुराना भी हो गया वीवो बी उन्नीस मॉडल, जो वीवो बी नाइनटीन, इसमें ओलिड डिस्प्ले मार्केट में अभी तक क्यों नहीं है मेरे को नहीं पता। लेकिन इसको देखिए जो ओरिजिनल डिस्प्ले तो 2500 ही मिलेगा, लेकिन मार्केट में कॉपी टीएफपी डिस्प्ले मिलता है। लेकिन आपका उसका डिस्प्ले का प्राइस कितना है, कैसे चेंज होता है, क्वालिटी कैसे, आप लोग वही दिखाएंगे। तो काम है डिस्प्ले चेंजिंग के लिए मेरे पास वीवो बी उन्नीस का। तो उस पर देखिए मार्केट में जो टीएफपी डिस्प्ले मैंने लेके आया ना, तो थोड़ा अलग क्वालिटी का देखने के लिए ओलिड जैसे लगता है दोस्तों, लेकिन ओलिड नहीं है, लेकिन आपको क्वालिटी भी बहुत मतलब बढ़िया मिलेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग को दिखाते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को जो लास्ट तक देखिए, जो उसके बाद कुछ डाउट भी होता है तो बिना टेंशन मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अभी देखिए जो मॉडल देख रहे हैं पीछे का स्टिकर किया है कस्टमर, लेकिन इसको देखिए वीवो बी उन्नीस सामने का देखिए, आगे का डुअल सेल्फी का ऑप्शन है, कैमरा बहुत बढ़िया क्वालिटी का दोस्तों, क्योंकि देखिए इसमें देखिए कैमरा क्वालिटी बहुत बढ़िया आता है इस मॉडल में। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को देखिए इसको खोल कर दिखा था, डिस्प्ले का कस्टमर चेंज भी किया है, तो वो जो चेंज किया था थोड़ा अलग है दोस्तों, ठीक है। चलिए मैं आप लोग कंपेयर करके भी दिखेंगे, मैं जो मार्केट से लेकर आया, चलिए मैंने इसको स्टिकर को थोड़ा खोलने का, बैक ग्लास तो ओपन हो गया। चले दोस्तों यहाँ पे मैंने स्टिकर को खोलने की कोशिश करा था, लेकिन बैक ग्लास ओपन हो गया। इसको तो बैक ग्लास ओपन नहीं होता, इसको पैनल ओपन होता है दोस्तों, ठीक है। इसको जो रिंग पैनल है ना, एक ही साथ बैक ग्लास प्लस पैनल एक ही तो एक ही साथ ओपन होता है, लेकिन स्टिकर खोलने का वजह से इसका बैक ग्लास ओपन हो गया। मतलब स्टिकर का साइड में इसको पकड़ के रखा था बैक ग्लास को, ठीक है, साइड में ग्लू फ्लू नहीं है, मैं अलग से इसको ग्लू फ्लू देकर सेटिंग कर लेंगे इसको। यहाँ पे देखिए तो सेटिंग ऐसे था, मैंने उसके स्टिकर को उठने की कोशिश कर रहा था, तो चलिए कोई बात नहीं, इसको कंप्लीट मैंने सेटिंग कर लेंगे। लेकिन अभी देखिए दोस्तों, इसको डिस्प्ले जो पत्ता होता है ना नीचे का होता है दोस्तों, चलिए मैं आप लोग खोल के भी दिखा दो नीचे का पत्ता कहाँ है दोस्तों। अभी देखिए नीचे का जितना स्क्रूप खोल लेते हैं, अभी देखिए तो सबसे पहले स्क्रूप खोलने के बाद फिर इसको डिस्प्ले का जो फ्लेक्स नीचे का है, ऊपर का जो इसको जो बैटरी कनेक्शन है वो भी रिमूव करना पड़ेगा उसको ऑन करके आप लोग को दिखाने के लिए। तो चलिए मैंने आराम से इसको ऊपर रखकर खोल लेता, उसका फिर आप लोग को डिस्प्ले दिखा दो दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको हो गया, अभी यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए ये ऊपर का बैटरी कनेक्शन हो गया, इस कैमरा का क्या हो गया, चलिए इसको साइड में रखते बाद में देखेंगे। तो इसको देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, अभी देखिए यहाँ पे इसको डिस्प्ले कनेक्शन हो गया, ठीक है। ये जो डिस्प्ले कस्टमर एक बार चेंज किया था कस्टमर का, उसको उस टाइम में ओलिड नहीं सेट किया था, ओरिजिनल नहीं सेट किया था। ओरिजिनल डिस्प्ले मेरे ख्याल से लगता है शायद इसको 5000 का ऊपर हो सकता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मार्केट में अभी तक नहीं है, 5-6 हज़ार का 7 हज़ार का भी ले सकते हैं सर्विस सेंटर, लेकिन मिलेगा कि नहीं मेरे को नहीं पता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए जो टीएफटी डिस्प्ले डब्ल्यूडी कंपनी का, देखिए यहाँ पे देखिए जो मेरा जो सेल्फी है और इसको पहले जो सेल्फी का था, दोनों का दोनों यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखिए दोस्तों, ब्लैक जो स्पॉट देख रहे ना कितना ज़्यादा है, देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले जो कस्टमर सेट किया था जो कंपनी का डिस्प्ले, पता नहीं किसका डिस्प्ले सेट किया था, लेकिन मैं जो अभी लिखा है ना ये भी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे देखिए सेल्फी का ऑप्शन देखिए, जितना कैमरा का ऑप्शन है उतना ही है दोस्तों, लेकिन उस मॉडल में ज़्यादा था जो पहले डिस्प्ले चेंजिंग किया था, वो भी कॉपी डिस्प्ले था दोस्तों, ठीक है। लेकिन चले मैंने आप लोगों को खोल के भी दिखा दो, आराम से इसको खोल लेंगे, चलिए इसको पत्ता को बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले चलो मैं इसको आप लोगों को डिस्प्ले खोल के दिखाता हूं, उसके बाद फिर आप लोगों को नेबल एलसीडी को सेटिंग करते हैं, सेटिंग करके ऑन करके भी दिखाता हूं, ठीक है। और इसको डिस्प्ले देखिए बाहर से देखने के लिए लगेगा ओलिड जैसा, लेकिन आपको देखिए इसमें फिंगरप्रिंट तो कम नहीं करेगा, फिंगरप्रिंट का ऑप्शन इसको है ही नहीं दोस्तों, क्योंकि देखिए टीएफटी डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट तो नहीं होता है, लेकिन इसको देखिए सुपर ओलिड लगाना पड़ेगा, लेकिन मार्केट में तो अभी तक नहीं आया। आज जो ओरिजिनल सर्विस सेंटर का बात है वो तो लगाने का आपका काम 100% करेगा, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाए 5000 के ऊपर, तो मेरा आइडिया नहीं है सर्विस सेंटर क्या ले सकते हैं, लेकिन मॉडल का मार्केट में नहीं आया मतलब उसको ज़्यादा ले सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसको देखिए फिंगरप्रिंट का तो इसको ऑप्शन ही नहीं है सेफ इसको देखने के लिए। और यहाँ पे देखिए लुकिंग देखिए दोस्तों, ठीक है, तो ये जो कैमरा का कटिंग देखिए और मैंने वाला जो लुकिंग है देखिए, दोनों का दोनों टोटली अलग है। पहले जो कस्टमर सेटिंग किया था एकदम लोकल क्वालिटी का सेटिंग किया था, दोनों का दोनों टीएफटी है, लेकिन देखिए मैं जो सेट किया था ये जो लोगो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो फ्लेक्स का लोगो देख रहे हैं ना, एक कंपनी का डिस्प्ले मैंने आप लोगों को मैक्सिमम महंगा कंपनी का जो रेडमी ओप्पो वीवो सैमसंग का महंगा कंपनी का डिस्प्ले बना था, इस कंपनी का लोगो उस कंपनी का फ्लेक्स यहाँ पे यूज़ किया दोस्तों, ठीक है टीएफटी में। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आराम से इसको सेटिंग करते उसका फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए इसको साइड में भी रखेंगे और डिस्प्ले का दोनों टोटली अलग है, ऑन करके भी आप लोगों को दिखाना पड़ेगा और उसको क्वालिटी कैसे। तो चलिए मैंने इसको स्टिकर को उठाते हैं, यहाँ पे देखिए एक तो स्टिकर यहाँ पे है इसको, चलिए आराम से इसको उठा लेते हैं, यहाँ पे देखिए हो गया। चलिए तो अभी देखिए मैंने साइड में जो ग्लू है जो उसको तो गम फैम पहले भी सेटिंग किया था जो कस्टमर जिस दुकान से, उसको तो साइड में उसको क्लियर करना पड़ेगा, साफ करने के बाद फिर साइड में नया ग्लू लगा के इसको सेटिंग करते हैं, ठीक है। देखिए डिस्प्ले चेंजिंग के लिए ज़्यादा हार्ड वर्क तो काम तो नहीं होता है, आराम से इसको चेंज हो जाता है, सिर्फ खोलो इसको डिस्प्ले निकल दिए साइड में गम लगा के सेटिंग कर दीजिए। और कोई अगर आईसी वगैरह काम होता है, कोई चार्जर पिन चेंज करने के लिए काम होता है तो उसको थोड़ा टाइम भी लगता है, मतलब उसको कोई और कोई रिपेयरिंग हार्ड वर्क होता है, लेकिन डिस्प्ले चेंजिंग के लिए एकदम आसान होता है दोस्तों, ठीक है। आप खोलिए, फेंक दीजिए, नेबल एलसीडी सेटिंग कर दीजिए। चलिए मैंने आराम से अभी देखिए डिस्प्ले को उठाते, साइड में ग्लू भी लगा दिया, अभी आराम से इसको डिस्प्ले को सेटिंग करता है। इसको देखिए ग्लू देने का टाइम आप लोग, ओलिड डिस्प्ले होता तो बात अलग है, लेकिन टीएफटी डिस्प्ले साइड में ग्लू अगर ज़्यादा भी लग जाएगा तो दिक्कत नहीं है,
लेकिन इसको देखिए अगर वो लिखा तो ज़्यादा ग्लू दीजिएगा तो आपका दिक्कत आ जाएगा डिस्प्ले में। तो चलिए कोई बात नहीं, आराम से हमारे डिस्प्ले में देखिए सेटिंग हो जाएगा। और डिस्प्ले के परफेक्ट सेटिंग भी हो रहा है, मतलब थोड़ा ऊंचा है, कोई ऐसे साइड में लाइट निकल रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, आराम से बिल्कुल सेट हो जाता है दोस्तों। तो चलिए मैंने आराम से सेट भी कर दिया, अभी सेटिंग कर लेते बैक ग्लास में बाद सेटिंग करके। चलिए आप लोग एक बार ऑन करके दिखा दो, ठीक है, फ्लेक्स लगा के एक ऑन करके दिखा दो। अभी चलिए इसको ऑन करते, फ्लेक्स भी लगा दिया। चलिए इसको ये देखिए वीवो लेगा तो आ गया, थोड़ा ऑन होने में टाइम लगेगा, देखते हैं अभी। देखिए चलिए ब्राइटनेस तो ये देखिए ब्राइटनेस क्लियरिटी भी आ गया दोस्तों। हम देखिए ये जो TFT डिस्प्ले ना, इसका प्राइस कितना आएगा ये चेंज करने के लिए, मान लीजिए आपको देखिए 2800 2900 कोई दुकान और भी ज़्यादा ले सकते हैं, कोई 100-200 रुपये कम भी ले सकते हैं, लेकिन मैं जो कस्टमर को लिया ना 2800 रुपये का इसको प्राइस ले रहे हैं कस्टमर के डिस्प्ले चेंजिंग के लिए। तो चलिए कोई बात नहीं, मैंने आराम से अभी देखिए इसको जो भी टास्क देखिए नंबर सब कुछ काम करेगा। TFT डिस्प्ले हल्का ओली से इसको ब्राइटनेस थोड़ा कम रहता है, लेकिन ये भी सही है दोस्तों, आपका मॉल में यूज़ करने के लिए बहुत बेटर है। लेकिन कम दाम में और क्या देगा इसको, देखिए कम दाम मत बोलिए क्योंकि इसको देखिए ओली डिस्प्ले नहीं मिलता, लेकिन कॉपी जो TFT डिस्प्ले उसको चेंज करने 3000 के करीब है कॉपी डिस्प्ले का दोस्तों। हो जाता है क्या इसके मार्केट में इसको ये मॉडल का डिस्प्ले इतना महंगा क्यों मेरे को नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं, आराम से देखिए पासवर्ड तो मेरे को नहीं पता, लेकिन आराम से सब कुछ काम करेगा, ब्राइटनेस थोड़ा और भी शायद बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो पासवर्ड खोलेगा तो ऑप्शन तो अभी तो नहीं आएगा और कुछ। चलिए इमरजेंसी में जो भी है इसको आप लोगों को दिखा रहे हैं। चलिए कोई भी नहीं, मॉल को तो अभी बैक ग्लास जो भी है सेटिंग कर लेंगे, डिस्प्ले भी सही है, आप लोग क्वालिटी भी देखा दोस्तों, इतना मतलब कम दाम में मतलब आप 3000 के करीब कम नहीं है, लेकिन आपका इस मॉडल में यही मिलता है दोस्तों। ज़्यादा अक्सर ओली टी अगर सर्विस सेंटर में लेना चाहे तो बता लगे अगर सर्विस सेंटर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों थैंक यू मेरा वीडियो पूरा देने के लिए। तो वीडियो देख कर आप लोगों की जानकारी कोई सीखने का भी मिले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक कीजिए, कुछ डाउट है तो बिना टेंशन में कम्युनिकेट कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।